कुसुम, आप देख रहे हैं खबर हरपन न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की कुछ खास सुर्खियों की ओर। ग्वालियर के पड़ा थाना क्षेत्र में एक मकान को लेकर चले आ रहे विवाद के बाद एक पक्ष में सामाजिक कार्यकर्ता के ट्रेनिंग सेंटर का सामान घर से बाहर फेंक दिया, जिसमें वह 2012 से ट्रेनिंग सेंटर चला रही थी। वहीं पुलिस ने महिला की शिकायत पर आरोपी पक्ष के खिलाफ भी मामला दर्ज कर लिया है। दरअसल पूरा मामला एक मकान से जुड़ा हुआ है। ग्वालियर के कांतिनगर के A84 मकान में 3 मंजिला मकान है, जिसकी पहली और दूसरी मंजिल पर महिला ने अपनी NGO के नाम पर किराए पर ले रखा है, जबकि तीसरी मंजिल पर अनिरुद्ध तोमर रहते हैं, जबकि मकान मालिक दिल्ली में रहते हैं। जब एक पक्ष ने कई समय से बंद NGO के ऑफिस का सामान बाहर फेंक दिया, जिसकी खबर पर NGO संचालक मौके पर पहुंच गई। महिला का आरोप है कि रोकने पर गाली गलौज भी की गई, जिसका पड़ा थाना पुलिस ने NGO संचालिका की शिकायत पर दूसरे पक्ष के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। मेरा नाम मीना शर्मा है, मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। क्या शिकायत है आप? मेरी शिकायत ये है कि मेरा कांति नगर A84 में एक ट्रेनिंग सेंटर है, वहाँ मेरी संस्था का ऑफिस है और वो 2012 से मैंने किराए पर लिया हुआ है। और आज दोपहर की ये घटना हुई कि मैं अपने घर पर थी, उसी समय मुझे सूचना मिली कि आपके ऑफिस का सारा सामान फेंका जा रहा है। तो मैं वहाँ जाकर के देखा तो सारा सामान मेरा ज़मीन पर पड़ा हुआ था, बराबर फेंक रहे थे। और मैं वहाँ पर पहुँची तो फ़ोटो और वीडियो बनाने की मैंने कोशिश की, तो उन्होंने मोबाइल भी छीन लिया और गाली गलौज दिया। कौन लोग हैं ये लोग? और अनिरुद्ध सिंह तोमर हैं ये, वहाँ पर हम फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर पर हैं और ये थर्ड फ्लोर पर ज़बरदस्ती कब्जा किया हुआ है इन्होंने। कौन है, क्या करते हैं ये? अनिरुद्ध सिंह तोमर, सुनील शर्मा जो कांग्रेस के नेता हैं उनके साथ हैं, अराजकता फैलाते हैं, ड्रिंक करते हैं वहाँ पर और काफ़ी मुझे परेशान किया है। आज इन्होंने फेंक दिया सारा सामान, मेरा सारा सरकारी रिकॉर्ड भी था वो भी फेंक दिया, कुछ कबाड़े में भी बेच दिया, मेरा पलंग वलंग जो भी अलमारी का सामान था वो भी सब फेंक दिया। ये लोग कहते हैं कि हम तुम्हें नहीं रहने देंगे, तुम्हारे परिवार को भी दहशत कर देंगे और हम तुमको भी मिटा देंगे। मकान मालिक से बात हुई क्या? मकान मालिक तो दिल्ली रहते हैं और उनका बेटा जब आएगा तब बातचीत हो पाएगी, आज मेरा संपर्क नहीं हो पाया। और मैं कोर्ट में ही किराया 10,000 रुपया जमा करती हूँ, विधिवत जमा कर रही हूँ और कोर्ट से मेरा स्टे भी है इस मकान पर। अनिरुद्ध सिंह तोमर तो ये कह रहे हैं कि आप मकान खाली करके चले जाइए, मैं कोर्ट वोट कुछ नहीं मानता हूँ। उनका ये कहना है कि उन्हें अनुबंध कर रखा है उसका प्रॉपर्टी का? नहीं, कोई अनुबंध नहीं है इनका, और हो तो मुझे मालूम नहीं है, लेकिन अनुबंध नहीं है और ना तो ये किराएदार की हैसियत से हैं, और अगर हैं तो बताएं कागज प्रस्तुत करें कागज।